हाय, आई एम अपूर्व भगत, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इन भगत आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स आगरा. आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम जयपुर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट मास्टर्स फ्रॉम द किशनगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years. माय डैड मिस्टर स्वतंत्र भगत, ही स्टार्टेड दिस कंपनी 25 years बैक. ही वॉज फ्रॉम द हलवाई फैमिली एंड उस लेगेसी को उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया. ही केम इन टू दिस फील्ड इन इंटीरियर्स फील्ड एंड ही स्टार्टेड दिस कंपनी. मैंने जब अपनी प्रैक्टिस चालू करी तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि पहले के लोग खुद मैन्युअली करते थे काम, मेरे डैड भी करते थे, तो मैंने उनको नई टेक्नोलॉजी जैसे कि हम लोग अभी आजकल कर रहे हैं, जैसे हम कैट पे काम करते हैं या फिर स्केचअप पे या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, तो वो मेरे कल्चर मैंने अपने फादर को और जितने भी मेरे कलीग्स हैं या मेरे स्टाफ को वो सब चीज़ें सिखाई. तो उससे क्या थोड़ा सा वर्किंग अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है और इजी रहता है काम करने के लिए. मतलब आप प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी, ड्राइंग्स को बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं साइट पे. सो आगरा वाज अ वेरी स्मॉल टाउन. यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं थे, पहले के लोग यहाँ पे प्रोफेशनल्स को हायर भी नहीं करते थे. अपना कोई भी उन्हें घर बनाना है या फैक्ट्री बनानी है या स्कूल बनाना है, दे डोंट हायर द प्रोफेशनल्स. वो लोग अपने खुद के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हीं से अपना थोड़ा बहुत काम करा लिया करते थे और बेसिक सिर्फ जैसे भी वर्कमैनशिप कॉन्ट्रैक्टर उनको प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, जैसा भी डिलीवर हो रहा है प्रोजेक्ट वैसा ही होता था. तो हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दिलाई कि नहीं, आप प्रोफेशनल से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप हमें हायर कीजिए. जितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस एक्चुअल उस इन्वेस्टमेंट का उसकी वर्थ तो मिले आपको, और कहीं ना कहीं आपको एक यूज़र फ्रेंडली हाउस मिले. आप किसी आर्किटेक्ट को या किसी डिज़ाइनर को हायर करेंगे तो आपको अपने लिए ही बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि वो जो मटेरियल आपको जो प्रोवाइड कराएंगे या जो प्लानिंग जो डिज़ाइनिंग आपको देंगे उससे जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन करेगी आगे. हम लोग दोनों तरीके से आर्किटेक्चर स्टाइल पे काम करते हैं, लाइक इन मॉडर्न, क्लासिकल, विंटेज, एवरीथिंग एज पर दी क्लाइंट डिमांड. लाइक अगर उसको मॉडर्न चाहिए तो हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन भी देते हैं. हम लोग उसको चाहिए कि नहीं, उसको थोड़ा विंटेज लुक चाहिए, उसका कल्चर, उसका फैमिली का कल्चर वैसा है, उसका बैकग्राउंड वैसा है, तो वो एक्चुअली डे वन पे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है जब हम लोग फर्स्ट टाइम क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं. वी लाइक टू डू ओनली रेजिडेंशियल लग्जरी रेजिडेंसेस प्रोजेक्ट्स, 3-star, 4-star, 5-star होटल्स. हम लोगों का फोकस उस पर ज़्यादा रहता है, हम लोग उसी पर अच्छी तरह अपना डिलीवर कर पाते हैं. आई लाइक टू प्ले विद मार्बल, इटालियन मार्बल्स, ग्लास, फैब्रिक ग्लास, फ्लूटेड ग्लासेस एंड मेटल वर्क लाइक गोल्ड फिनिश, रोज गोल्ड फिनिश, ब्रॉन्ज फिनिश एंड लाइक अपोस्ट्री वर्क. आई लव टू प्ले विद अपोस्ट्री विद सम पेस्टल कलर्स एंड अ गुड आर्टिकल्स, गुड आर्टिफिकेट्स. मेजरली जो रहता है वो ज़्यादातर कॉस्टिंग को लेकर रहता है कि सर कितना टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा और इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी. पहले तो हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि सॉफ्टवेयर ही नहीं थे ऐसे. अब लेकिन हम BOQ और सारा उनको मटेरियल की स्पेसिफिकेशन बना के एक रफ एस्टिमेट दे देते हैं, तो अब वो प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं जो हम पहले किया करते थे. मेरे डैड ने मेरे को शुरू से ही एक चीज़ सिखाई है कि कभी भी कॉस्टिंग पार्ट पे या किसी और दूसरे पार्ट पे नहीं घुसना है. हमेशा आपको पहले तो डिज़ाइन को लेके सबसे ज़्यादा अपनी इमेज क्लियर करनी है. डिज़ाइन, टेक्निकल पॉइंट्स, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, ये सब चीज़ें आपको अपनी पिक्चर क्लियर करनी है. बाकी और जो कॉस्टिंग का पार्ट रहा या किसी कॉन्ट्रैक्टर्स में आप कहीं इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं या किसी वेंडर के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उससे प्लीज़ दूर रहें तो ही आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. बाकी दैट्स माय एडवाइस फॉर द यंग आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन पे इतना फोकस रखें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू एंड लाइक ऑल द आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी.